सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में जो है हम कुछ वेट लॉस मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही साथ उनके सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। अगर वेट लॉस की बात करें तो वेट लॉस एक ऐसा फेज होता है फिटनेस जर्नी में जिसमें लोग जो है अपना बॉडी वेट कम कर रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस फेज के दौरान बहुत सारे मिस्टेक्स कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से वो जो है ज्यादा जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो हम इन्हीं मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे और उनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। सो अगर हम अपनी मिस्टेक नंबर वन की बात करें तो वो होती है ईटिंग टू फ्यू कैलोरीज, यानी कि बहुत कम खाना खाना। सो अगर हम वेट लॉस की बात करें तो जो आपकी कैलोरीज इन होनी चाहिए, यानी कि जो आप कैलोरीज खा रहे हैं, वो कम होनी चाहिए इन कंपैरेटिवली टू कैलोरीज आउट, यानी कि जो आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोगों के माइंड में ये मिसकंसेप्शन है कि अगर उन्हें वेट लॉस करना है तो उन्हें बहुत कम कैलोरीज खानी होती है, जिसकी वजह से वो इतनी कैलोरीज कम कर देते हैं कि उनके पास काम करने के लिए जो है एनर्जी ही नहीं बचती है। रिसर्चर्स कहते हैं कि जब हम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बहुत कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी जो है एक तरीके से स्टार्वेशन मोड में आ जाती है। स्टार्वेशन मोड में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है फैट बर्न करने की जगह उस फैट को स्टोर करने लग जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी को ये लगता है कि हमारे को जो रिक्वायर्ड कैलोरीज है उतनी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन जो है ढंग से वर्क नहीं करेगी, तो वो उस फैट को बर्न करने की जगह उसे स्टोर करेगी और उससे एनर्जी लेगी ताकि हमारे जो ऑर्गन है वो ढंग से वर्क करें। साथ ही साथ जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है वो भी बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, क्योंकि उन्हें बहुत धीरे धीरे कैलोरीज बर्न करनी होती है, क्योंकि कैलोरीज का जो इंटेक अमाउंट है वो बहुत कम होता है। अगर बहुत तेजी से बर्न कर देगी तो जो ऑर्गन्स है उन्हें काम करने के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी। सो इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी बॉडी है वो उस स्टेट में चली जाती है जिसमें आपका वेट लॉस नहीं हो रहा था, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जल्दी गिव अप कर देते हैं। उसके बाद जो है वापसी आप अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं, वही जंक फूड खा रहे होते हैं। सो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो आप क्या कर सकते हैं कि वीक में कोई दो दिन ऐसे डिसाइड कर सकते हैं जिस दिन आप अपनी नॉर्मल कैलोरी डेफिशिएंट डाइट से कम कैलोरीज खाएंगे। सो अगर हम एग्जांपल से देखें तो ये मानते हैं कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी जो है 2000 है और आप 1700 कैलोरीज की डाइट फॉलो कर रहे हैं वेट लॉस करने के लिए, तो वीक में जो दो दिन है वीकेंड है हमारे, उस दिन जो है आप 1700 कैलोरीज खाने की जगह और कम कैलोरीज खा सकते हैं, 1300 खा सकते हैं या 1400 खा सकते हैं, तो जिससे जो है आपके वेट लॉस जर्नी में वो आपकी हेल्प करेगा ज्यादा जल्दी वेट लूज करने में। अगर आप इस रूटीन को 7 to 8 weeks के लिए फॉलो करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इन कंपैरेटिवली अगर आप उसी टाइम के लिए, यानी कि 7 to 8 weeks के लिए आप 1000 calories खा रहे। सो अगर हम सेकंड मिस्टेक की बात करें जो कि लोग अपनी वेट लॉस जर्नी में परफॉर्म करते हैं, वो है ओनली डूइंग कार्डियो। वेट लॉस जर्नी के दौरान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है न्यूट्रिशन, फिर आती है आपकी वेट ट्रेनिंग, फिर आता है आपका कार्डियो। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि पैरेलल एस्पेक्ट्स, यानी कि जो न्यूट्रिशन है और वेट ट्रेनिंग है, उस पर इतना फोकस नहीं करते और सिर्फ कार्डियो को परफॉर्म करने लगते हैं। सो अगर हम कार्डियो की बात करें तो वो एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जो कि आपके हार्ट रेट को एलिवेट करती है और एक ऐसे जोन में पहुंचाती है जहां पे आप जो है ज्यादा अमाउंट में फैट और कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। आप कार्डियो को जो है डिफरेंट एक्सरसाइज से परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गया, स्किपिंग हो गया, जंपिंग हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बात सही है कि कार्डियो जो है ज्यादा कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करता है, लेकिन अगर हम कार्डियो को ज्यादा टाइम के लिए रेगुलरली परफॉर्म करेंगे तो उससे जो है हमारी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसकी वजह से क्या है, आपके जॉइंट पेन हो सकता है, साथ ही साथ आपको बहुत सारी फिजिकल इंजरीज भी हो सकती है। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, आपको वेट ट्रेनिंग भी करनी चाहिए और साथ ही साथ कार्डियो भी परफॉर्म करना चाहिए। रिसर्चर्स कहते हैं कि हमें एक वीक में 4 to 5 days के लिए कार्डियो परफॉर्म करना चाहिए, जिसमें हर एक दिन हम 20 से 25 मिनट कार्डियो परफॉर्म करें और बाकी टाइम जो है वेट ट्रेनिंग परफॉर्म करें। साथ ही साथ जो है आपको वेट ट्रेनिंग को कार्डियो से पहले परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि वेट ट्रेनिंग में जो है ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, और अगर आप कार्डियो में ही अपना सारा एनर्जी यूज कर देंगे तो आप जो है वेट ट्रेनिंग में अपना एनर्जी यूज नहीं कर पाएंगे, जिससे जो है वर्कआउट से मैक्सिमम बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। सो इसलिए अगर आपको ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी है और ज्यादा जल्दी वेट लूज करना है तो आप वेट ट्रेनिंग और कार्डियो को कंबाइन करें इंस्टेड ऑफ ओनली डूइंग कार्डियो। सो अगर हम वेट लॉस मिस्टेक नंबर 3 की बात करें तो वो होती डिपेंडिंग ओनली ऑन फैट बर्नर सप्लीमेंट्स। फैट बर्नर सप्लीमेंट्स जो है फिटनेस मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप इन्हें कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी जो है ज्यादा जल्दी फैट और वेट को लूज करेगी। ये क्या करते हैं कि आपकी बॉडी में जो है फैट का एब्जॉर्प्शन कम करते हैं, साथ ही साथ आपके फैट का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसे भी तेज करते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ इन्हीं फैट बर्नर सप्लीमेंट्स पर डिपेंड करते हैं अपने फैट और वेट लॉस के लिए, और बाकी की जो दो चीजें होती है न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज, उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। सो अगर हम फैट बर्निंग सप्लीमेंट्स की बात करें तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो FDA रेगुलेटेड नहीं होते, यानी कि जो फूड एंड ड्रग एजेंसी है उनका उन इंग्रेडिएंट्स पे कोई कंट्रोल नहीं होता, वो टोटली मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको बनाने में क्या इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकता है।
जिसकी वजह से क्या होता है कि आप जो फैट बर्नर सप्लीमेंट्स कंज्यूम करते हैं वो आपकी बॉडी को जो है इफेक्ट कर सकते हैं और आपकी बॉडी के लिए डेंजरस हो सकते हैं। सो इसके अगर सोल्यूशन की बात करें तो आप क्या कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग फैट बर्नर सप्लीमेंट्स आप जो है नेचुरल फैट बर्नर यूज कर सकते हैं, जैसे कि कैफीन या फिर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। फैट बर्नर्स को जो है आप दिन में कभी भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन दो टाइम जो है इसके लिए ज्यादा बेस्ट होते हैं, यानी कि ऐसे टाइम जिसपे जो है ये फैट बर्नर्स अपने मैक्सिमम बेनिफिट्स देते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइम होता है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से 30 से 40 मिनट्स पहले, या फिर जो दूसरा टाइम होता है वो होता है वर्कआउट करने से पहले। ये इसका रीजन ये है कि ये जो है आपका फैट मेटाबॉलिज्म तेज करेगा और उसकी वजह से जो है आपको ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलेगी आगे काम करने के लिए। फैट बर्नर्स को जो है आपको डेली रिकमेंडेड लिमिट में ही कंज्यूम करना चाहिए, जैसे कि कैफीन की डेली रिकमेंडेड लिमिट होती है 400 मिलीग्राम्स। अगर हम फैट बर्नर्स को ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या है बहुत ज्यादा अमाउंट में नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारी बॉडी पे, जैसे कि एंग्जायटी हो सकती है, लैक ऑफ स्लीप हो सकती है, या फिर बहुत सारे स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए जो है आप इन फैट बर्नर्स को जो है डेली रिकमेंडेड लिमिट के अंदर ही कंज्यूम करें और अपनी न्यूट्रिशन और अपनी एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करें अपना वेट लॉस करने के लिए। सो अगर हम फोर्थ मिस्टेक की बात करें जो कि लोग वेट लॉस जर्नी के दौरान करते हैं, वो है नॉट ईटिंग अ बैलेंस्ड मैक्रोस डाइट। डाइट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेट लॉस जर्नी में। अगर आपका डाइट अच्छा होगा तो आपको वेट लॉस जो है ज्यादा जल्दी होगा। बहुत लोगों के माइंड में ये मिथ है कि अगर वो जो है फैट्स कंज्यूम करेंगे अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान तो उनका जो वेट है वो ज्यादा जल्दी लूज नहीं होगा। फैट जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिस्ट में इसलिए आता है क्योंकि वो जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के लिए। फैट जो है हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ वो जो है सेल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फैट्स हमारी बॉडी में वो ये है कि वो एक तरीके से एनर्जी स्टोरेज की तरह ऐड करते हैं। जब भी हमारी बॉडी में एनर्जी कम होती है तो हमारी बॉडी इन एनर्जी स्टोरेज से जो है एनर्जी ले लेती है ताकि हम जो है अच्छे से काम कर सके। इसलिए जो है फैट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डाइट में, और ना कंज्यूम करने से आपकी बॉडी पे बहुत सारे इफेक्ट्स आ सकते हैं। अगर आपको फैट्स नहीं कंज्यूम करने हैं तो आप जो जंक फूड में फैट्स होते हैं यानी कि जो ट्रांस फैट होते हैं आप उन्हें कंज्यूम ना करें, वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट डालेंगे। जो हेल्दी फैट्स होते हैं जैसे कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जो कि पनीर, टोफू या फिर नट्स में पाए जाते हैं, वो आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। सो इसलिए जो है आप अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान एक बैलेंस रेशियो मैक्रोन्यूट्रिएंट वाली डाइट खाएं जो कि आपका वेट लॉस करने में ज़्यादा जल्दी से हेल्प करे। रिसर्चर्स रिकमेंड करते हैं कि आपकी वेट लॉस के दौरान प्रोटीन इज टू कार्ब इज टू फैट की रेशियो जो है वो 3:4:3 होनी चाहिए, यानी कि जो 30% कैलोरीज है वो प्रोटीन से, 40% कार्ब से और रिमेनिंग जो 30% है वो फैट से आनी चाहिए। सो आप इसी रेशियो में जो है अपनी डाइट को एक तरीके से प्लान कर सकते हैं अपने वेट लॉस के लिए। सो मैं होप कर रहा हूँ कि अगर आप इनमें से कोई भी मिस्टेक जो है अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान कर रहे हैं तो अब आप इन्हें नहीं करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त मोहम्मद सलवा चलता हूँ, ठीक है, बाय।